वीडियो के कमेंट के नीचे हैप्पी बर्थडे आपका लिखा हुआ आना चाहिए, किसी ने विश नहीं किया। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, अगेन दिस इज अथर्व एंड लेट्स स्टार्ट बिलो। तो मतलब कल एक छोटे से धचके में पटकाने से गाड़ी का ये हाल हो गया है ना। तो यार बेसिकली सीन ही हो गया था कि कल हमारे यहाँ मतलब भीलट देव से आते समय एक छोटे से गड्ढे में गाड़ी पटका गई थी। तो उससे क्या हुआ कि गाड़ी पटका गई, मैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, उससे पीछे का ट्यूब चला गया, रिंग बाहर आ गई, आगे की रिंग क्रैक हो गई, मतलब आगे पीछे दोनों के रिंग का काम हो गया। अभी आके पता चला तो ये लंबा वाला फटका लग चुका है मेरे को। अब भैया बोल रहे हैं यार तो दोनों जो रिंग है उसको आप चेंज करा लो तो उसमें 6,000 से 7,000 रुपये लगेंगे, और नहीं तो अभी वेल्डिंग करा के काम चला लो। लेकिन उन्होंने बोला वेल्डिंग करा के काम चलाओगे तो उसमें फिर आगे दुर्घटना होने की, मतलब अगर फिर पटका तो फिर क्रैक हो जाएगी। ये देखो ये पूरी रिंग बाहर निकल चुकी है गाड़ी की, और मतलब बहुत तेज वाली मजे आ गए मेरे को। तो ये वाला पिछला टायर मतलब ले दे के सीन ही हो गया था यार। मैंने सोचा भी इनकी गाड़ी को लिए हुए 1 साल से 2-3 महीने ऊपर है, इटारसी से गाड़ी लाए थे, तो मैंने सोचा अब ये इंश्योरेंस क्लेम कर देते हैं, अपने को 6-7 हज़ार रुपये की बचत हो जाएगी और दोनों रिंग नहीं डल जाएगी, मतलब गाड़ी ठीक हो जाएगी और अपने पैसे कम लगेंगे, ठीक है। तो इटारसी फिर पिताजी ने फ़ोन किया, मैंने पिताजी से बोला मैंने कि चलो इंश्योरेंस क्लेम करके देखते हैं। तो अब बजाज वालों ने क्या खेल खेला देखना है, इंश्योरेंस तो गाड़ी का जो 5 साल वाली स्कीम है ना बजाज वालों की, भैया 5 साल तक इंश्योरेंस रहता है बजाज वालों का, तो उसमें उन्होंने बोला कि पहले साल तो फर्स्ट पार्टी रहता है, फिर अगले साल से थर्ड पार्टी हो जाता है, फिर अगर आप में चुल है तो आप वापस उसको फर्स्ट पार्टी रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बजाज वालों ने ये हमें मतलब पॉलिसी में लिखा होगा, हमें ध्यान नहीं। फिर मैंने यही सोचा यार मैंने कि यार अभी पैसे बचा लिए जाएं, अभी मतलब 6-7 हज़ार रुपये लगाने का कोई मन नहीं है। ऑटो पार्ट्स वाले भैया ने भी यही बोला कि यार एक काम करो अभी हम वेल्डिंग कर दे रहे हैं तो वेल्डिंग से भी टेम्प्रेरी बेसिस पे काम हो जाएगा। उन्होंने यही बोला कि यार अब गड्ढे बचा के चलना, गड्ढे में से गाड़ी निकालना मत, हीरो बनने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो अभी ऑटो पार्ट्स वाले भी एक पास गाड़ी पड़ी हुई है, 3-4 घंटे लगेंगे। टैक्स मतलब वन डे मेरी पल्सर अभी पड़ी हुई है। ऑटो पार्ट्स वाले भैया ने क्या किया था ना कि उन्होंने वेल्डिंग वाले भैया को दे दिया था, मतलब वो रिंग जो थी वो वेल्डिंग वाले के पास पड़ी हुई थी। अब वो वेल्डिंग वाले भैया आराम से कर रहे हैं, मतलब एक दिन पूरा हो गया, अभी शाम को आधे घंटे बाद मुझे बाइक मिलेगी। ये तो होगी बाइक की कहानी। और यार कल मेरा बर्थडे था, है ना, यस्टरडे वाज माय बर्थडे। आप लोगों ने किसी ने मुझे विश नहीं किया है इंस्टाग्राम पे, सबसे पहले तो मुझे फॉलो कर लो बर्थडे के मेरे ओकेशन पे, और मुझे इस वीडियो के कमेंट के नीचे हैप्पी बर्थडे आपका लिखा हुआ आना चाहिए, किसी ने विश नहीं किया यार, ये कौन सी बात होती है। और ये अंकित भाई है उससे वही बात हम कर रहे थे कि पल्सर में पल्सर ऐसी इतनी मतलब हल्की आती है, इतना सस्ता मटेरियल पल्सर लगा के देती है अपनी बाइक में, बहुत ही चीप मटेरियल यूज किया है। बहुत तो रिंग फट गई यार, मैंने पूरा ब्लॉग में आपको बताया शुरू से, ऐसा मतलब 6-7 हज़ार रुपये मान लो अगर उसमें बिल्डिंग नहीं होती, बड़े 6-7 हज़ार रुपये चार्ट से लगे आते हैं। डिससेटिस्फाइंग यू, इंग्लिश देख रहे हो मेरी।